Today we are going to read Walking on the Moon by David R. Scott. And we are going to analyze it critically along with the text reading and explain the important points. The learning outcomes of this essay will be introduction of the essay. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, देन क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द एसे, और इन इसमें हम कवर करेंगे ब्रीफ समरी ऑफ द एसे एज वेल एज एक्सपीरियंसेस ऑफ द राइटर ऑन द मून. आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट वर द एक्सपीरियंसेस ऑफ द राइटर और डेविड आर स्कॉट ऑन द मून, तो आप उसमें भी ये सब चीज़ें लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज फीलिंग्स ऑफ द एसेस्ट, तो इसमें डेविड की फीलिंग्स क्या थी थ्रू आउट हिज जर्नी और थ्रू आउट हिज वॉकिंग ऑन द मून, तो उसमें उसकी जितनी भी फीलिंग्स हैं और उसका चेंज ऑफ फीलिंग्स हैं वो सब की सब इसमें हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर. वॉकिंग ऑन द मून बाय डेविड आर स्कॉट, इसने ये ऐसे लिखा है जी. और हु वॉज डेविड आर स्कॉट? ही वॉज एन अमेरिकन इंजीनियर, रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर, फॉर्मर टेस्ट पायलट एंड फॉर्मर नासा एस्ट्रोनॉट. तो इससे बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया था कि डेविड आर स्कॉट वॉज द पर्सन जिसने खुद इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, और वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये ऐसे लिखने जा रहा है. तो ये उसने ये सब चीज़ें हमें उसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है अबाउट द राइटर. ही सर्व्ड एज अ कमांड मॉड्यूल पायलट ऑफ द अपोलो 9 फ्लाइट इन 1969. जी 1969 में जो अपोलो 9 की फ्लाइट गई थी फ्रॉम अमेरिका टू द मून, तो उसका ये कमांड मॉड्यूल रहे हैं जी, कमांड मॉड्यूल पायलट. And after 2 years, he went to the moon as the commander of the Apollo mission in 1971. Now 1971 में जो Apollo mission था उसके commander रहे हैं जी ये, और इसी जो journey था, यही जो space travel था to the moon in 1971, इसी को हम discuss करने जा रहे हैं in this essay. सो कीप इट इन योर माइंड, आपको पता होना चाहिए कि 1969 में मून पर कौन गया था और 1971 में मून पर कौन गया था, इफ़ एक्चुअली दे वेंट. तो अभी हम आगे चलते हैं जी टुवर्ड्स क्रिटिकल एनालिसिस. सो इट वॉज अ पोलिटिकल डिसीजन जी. आपको ये पता है कि बहुत सारे जो हमारे इस तरह के डिसीजंस होते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, जितने भी इस तरह के डिसीजंस लिए जाते हैं, दे आर पॉलिटिकली बेस्ड डिसीजंस. तो ये भी एक पॉलिटिकल डिसीजन था कि हमें चांद पर जाना चाहिए. क्यों? 1969 में आपको पता है कि सोवियत यूनियन यानी रशिया जो है वो जा चुका था मून पर, और डेफिनेटली जब दो राइवल्स होते हैं और दो लोग होते हैं उनका कंपटीशन चल रहा होता है, तो पूरी दुनिया जो थी वो डेफिनेटली अप्रिशिएट कर रही थी इस चीज़ के लिए, रशिया को और सोवियत यूनियन को, कि जी वो लोग तो बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं कि वो मून पर चले गए हैं. तो अब इस चीज़ से अमेरिका को फील हुआ कि नहीं, हमें भी जाना चाहिए. सो दे डिसाइडेड टू लैंड ऑन द मून इन ऑर्डर टू रीस्टोर द टेक्नोलॉजिकल इमेज ऑफ USA इन द eyes of the world on account of space lead of Russia, Soviet Union, कि जो वो पहले चले गए थे तो उसको बताने के लिए कि भाई हम भी किसी से कम नहीं है, हम भी जा सकते हैं. सो दे डिसाइडेड टू लैंड ऑन द मून. तो अभी हमारा वॉकिंग ऑन द मून जो ऐसे है, दिस इज़ अ विविड अकाउंट ऑफ स्कॉट्स एक्सपीरियंसेस ऑन द मून एंड शोज हाउ फिगरेटिव लैंग्वेज कैन सर्व इन एक्सपोजिशन. एक्सपोजिशन कहते हैं जी एन अकाउंट एग्जिबिटिंग द राइटर्स इंटेंशन एंड मीनिंग. तो अभी हम इसमें देखेंगे कि डेविड आर स्कॉट ने जिस तरह हमें देखने में लग रहा है, स्पेस ट्रेवल नो डाउट बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, लेकिन इसको सुनने के बाद इसको पढ़ने का उतना इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता, एक्सेप्ट फॉर दोस्त के जिनको बहुत ज़्यादा शौक होता है स्पेस ट्रैवलिंग का. तो स्पेस ट्रैवलिंग को देखना एज डॉक्यूमेंट्री वो दैट इज़ अ सेपरेट थिंग, और उसको पढ़ना जो है वो दैट इज़ अ सेपरेट.
थिंग. लेकिन अभी इसमें जब हम वॉकिंग ऑन द मून को पढ़ते हैं तो ये बड़ा उसको इंटरेस्टिंग बनाया है, उसको फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ करके, जो कि आपको पता है कि इसमें बहुत सारे सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं, मेटाफर्स यूज़ किए जाते हैं, इसमें इमेजरी होती है, मतलब मल्टीपल इमेजेस यूज़ किए जाते हैं और इसमें एग्जांपल्स कोट की जाती हैं फ्रॉम द रियल वर्ल्ड, ताकि हम उस बात को समझ सकें जो राइटर हमें कन्वे करना चाहता है. तो जी, बड़ा विविड सा इसमें डिस्क्रिप्शन है अपने उस स्पेस ट्रैवल का जो राइटर ने हमें दिया है, और इतना आर्टिस्टिकली तो आप जिससे कहेंगे शायराना, तो राइटर ने इस किस्म का आपको यहाँ पर बताया है कि प्रोज जो है वो भी इतना जो है वो हो सकता है, जिसमें आप एक एसे लिख रहे हैं और एसे में इतना एलैबोरेटिव यूज़ जो है वो किया गया है फिगरेटिव लैंग्वेज का. In order to express his experiences new to human beings, he refers to the experiences with which they are familiar. तो अभी इसमें क्या है कि जी, चूँकि मून पर कॉमन मैन तो ट्रेवल नहीं किया हुआ है, तो कॉमन मैन के लिए तो ये सारी चीज़ें नहीं हैं, एक्सपीरियंसेस नहीं हैं, वहाँ पर जो फीलिंग्स हैं राइटर की वो सब नहीं हैं. तो उनको फेमिलियर बनाने के लिए और कि कॉमन मैन की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कॉम्प्रीहेंड कर सकें वो उन सारी बातों को, उन सारे फीलिंग्स को रीडर भी फील कर सकें, तो उसके लिए जो राइटर है उसने रियल वर्ल्ड से बहुत सारी एग्जाम्पल्स कोट किए हैं. तो हम ये कह सकते हैं दिस इज़ एन अकाउंट ऑफ हिज जर्नी टू द मून. And this is the American who landed on the moon and stayed there for 67 hours. और ये अकेला नहीं था, इसके साथ दो लोग और भी हैं. तो ये एक अमेरिकन है जी, he visited the moon in the spaceship Endeavour in July 1971 with his two companions. जी, दो साथी हैं. आपको अगर नाम याद हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज आप सिर्फ टू companions भी लिखेंगे तो that is enough. जी, दे हैड 12 revolutions ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द मून बिफोर दे लैंडेड ऑन द सर्फेस ऑफ द मून. ये उन्होंने चक्कर लगाए हैं जी, 12 चक्कर लगाए हैं चांद के गिर्द उन्होंने. दे हैड 12 revolutions और इट टुक 2 hours टू मूव अराउंड द ऑर्बिट ऑफ द मून बाय मीन्स ऑफ अ ल्यूनर मॉड्यूल. अभी जिस स्पेस शिप में वो हैं उसको वो ल्यूनर मॉड्यूल कह रहे हैं, और अगर आप ऐसे को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि वो इसको एब्रीवेटेड फॉर्म में हर जगह पर यूज़ कर रहे हैं, LM. तो ये जी 2 घंटे इनको लगते हैं इसमें. अभी अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि हमारा जो एसे स्टार्ट होता है तो उसी में राइटर जो है वो अपनी फीलिंग्स किस तरह से बताते हैं. ब्लाइंडेड आई फील द रेस्ट ऑफ द वे डाउन ऑन द गेजेस. ये जी गेजेस कहते हैं कि जो आपका मेजरमेंट का टूल होता है, एक जो फिज़िक्स पढ़े जिन्होंने साइंस पढ़ी उनको बहुत अच्छे से पता चल रहा होगा गेजेस का. तो ब्लाइंडेड आई फील द रेस्ट ऑफ द वे डाउन, क्योंकि वहाँ पर जब आप पहुँच रहे हैं तो वो स्पेस क्राफ्ट में, तो उसकी वजह से बहुत सारी डस्ट उड़ रही है, तो उसने बताया कि जी मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था. उसके बाद जब देखने के काबिल हुए और उन्होंने देखा, एवरीथिंग हैड द कलर ऑफ मिल्क चॉकलेट. अभी जो ब्लाइंडेड वाला है वो हमने ऐसे में से हमारा अंडरलाइंड सेंटेंस है, और आप सिर्फ उतना ही अंडरलाइन करेंगे जितना यहाँ पर हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिख रखा है. नेक्स्ट इज़ द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय आर प्लैनेट इल्यूमिनेट्स द स्लीपिंग मून. अभी वह हमें बता रहा है कि जिस तरह से हम अर्थ पर खड़े होते हैं और हमें मून नज़र आता है और वो शाइनिंग मून होता है, तो बिल्कुल इसी तरह से जब आप मून की सरफेस पर खड़े होते हैं तो आपको अर्थ भी उसी तरह से शाइनिंग नज़र आती है. तो अभी उसने ये यहाँ पर ये बताया है कि जो मून की रिफ्लेक्शन है या मून की जो इल्यूमिनेशन है वो कम है एज़ कम्पेयर टू द अर्थ. यानी अर्थ जो है वो डेफिनेटली साइज़ में बड़ी है, तो ज़्यादा उसमें से रिफ्लेक्शन होगी लाइट की, तो ज़्यादा रोशन नज़र आएगी. तो उसने कहा कि जी मून, उसने यहाँ पर उसको मेटाफोरिकल लैंग्वेज यूज़ किया, उसने कहा मून वो स्लीपिंग और उसके ऊपर रोशनी पड़ रही है प्लैनेट से, हमारे प्लैनेट से, आर प्लैनेट अर्थ. ये उसकी अफेक्शन है, उसका लिंक है, उसका रिलेशनशिप है विद अर्थ. बिफोर अस एंड अबव अस स्टार्स. जी, इनके इर्द गिर्द हर जगह पर स्टार्स ही स्टार्स हैं, इर्द गिर्द हर जगह पर स्टार्स हैं. तो अभी अर्थ जो है वो चूंकि आप उस तरह से फील नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल यू मूव टू अ ग्राउंड, इतना बड़ा ग्राउंड हो कि जिसमें दूर दूर तक आपको कुछ भी नज़र नहीं आए, यानी कि कोई भी बिल्डिंग नहीं है, कोई
माउंटेंस नहीं है, ट्रीज़ नहीं है, तो वहाँ पर भी आपको ऐसे ही लगेगा कि आपके सामने, आपके इर्द गिर्द, आपके ऊपर हर तरफ स्टार्स ही स्टार्स हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी उसने अपना एक्सपीरियंस बताया है कि स्टार्स हैं हर तरफ। उसके बाद वो मून की सरफेस की बात करता है और वो हमें बताता है ऑल द माउंटेंस प्लेन्स एंड लैंड्स ऑफ द मून लुक्ड ब्राइट, किस में, जो रिफ्लेक्शन आ रहा था अर्थ से इस लाइट का, यानी उस रोशनी में, जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो रोशनी में जब चांद की फुल मून होता है तो उस वक्त वो अपने बहुत सारे काम उस मून लाइट में भी कर लेते हैं। तो सोचिए कि उसने कहा कि जी जो मून लाइट है वो कम है एज़ कम्पेयर्ड टू द अर्थ लाइट। तो अभी इसमें उसने कहा कि उसमें सारी चीज़ें बहुत क्लियरली नज़र आ रही थी। उसके बाद जी ही एक्सपीरियंसेस द मॉर्निंग एडवेंचर राइजिंग ऑफ द सन वाइल यूजिंग मेटाफोरिकल लैंग्वेज। अब इसके बाद उसने डे का बताया है, इससे पहले उसने नाइट का बताया और अभी वो हमें डे का इमेज बता रहा है और उसमें ये कह रहा है जी मॉर्निंग जब हो रही है, जब सूरज निकल रहा है, तो वो किस तरह से बताता है जी ग्लोइंग गैसेज ऑफ द सोलर कोरोना। अब ये कोरोना आपके वो वाला कोरोना नहीं है जिसकी आपको बहुत सारी छुट्टियाँ हुई थी। कोरोना इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन, ये आउटर मोस्ट रीजन होता है सन का। तो उसने कहा कि जी ग्लोइंग गैसेज ऑफ द सोलर कोरोना, अभी आप देखिए कि किस तरह से वो यूज़ करता है वर्ड्स का और अपनी वोकैबुलरी का और एग्जांपल्स देता है कि जिससे आप अच्छे से समझ सकते हैं कि जी वो क्या है। यानी कि उसने बताया है कि वो जो वहाँ पर गैसेस ग्लो कर रही हैं वो उनकी वजह से जो है वो इल्यूमिनेशन होनी शुरू हुई और वहाँ पर सूरज जो है वो निकल रहा है। फाइनली द सन एक्सप्लोरेड इन टू आर व्यू लाइक अ विजुअल थंडर क्लैप। तो हमारे यहाँ तो सूरज बड़े आहिस्ता आहिस्ता निकलता है और उसने यहाँ पर बताया कि जी शुरू में तो वाकई वो ग्लोइंग गैसेस की तरह ही था, यानी कि आपको विजन क्लियर नहीं होता है सन का, लेकिन जिस वक्त सन बाहर आया, सामने आया, तो उसने कहा हमारे व्यू में इट जस्ट एक्सप्लोडेड लाइक अ विजुअल थंडर क्लैप, कि आप देख सकते हैं कि एकदम से एक बॉम्ब फट गया है, थंडर क्लैप, एक बॉम्ब फटा है जी, और वो उसके बाद सूरज निकल आया है। फीलिंग ऑफ फियर एंड सीरियसनेस अभी आ गई है जी उसके बाद, और ये फीलिंग्स बड़ी मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, कभी वो बहुत खुश हो रहा है, कभी वो बहुत एक्साइटेड है, एंड नाउ देयर इज़ फीलिंग ऑफ फियर एंड सीरियसनेस। उसने कहा जी बड़ी सीरियस बात है, वो क्या है, इट इज़ सोबरिंग टू रियलाइज दैट वी आर द ओनली लिविंग सोल्स इन द साइलेंट स्फीयर। यानी मून तो बिल्कुल साइलेंट है, आप कौन सा अर्थ पे हैं कि जहाँ पर अभी आपको कोई चलते हुए कोई बस की आवाज़ आ जाएगी, अभी आप बैठे हैं और आपको एरोप्लेन नज़र आ जाएगा या उसकी आवाज़ सुनाई दे जाएगी या ट्रेन की वसल आपको दूर से आएगी, या अभी आप खामोश बैठे ही थे तो अचानक से एक बाइक गुजर गई, या अगर आपको आपकी ट्रेन याद हो अगर आपकी फर्स्ट ईयर की, तो आपको पता चले कि किस तरह से वो जो साइलेंस है उसको तोड़ती है। तो यहाँ पर उसने कहा जी कंप्लीट साइलेंस है, यहाँ पे कौन सी कोई इस तरह की मोटर कार्स हैं, तो वी आर द ओनली लिविंग सोल्स ऑन दिस साइलेंट स्फीयर एंड दिस इज़ द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस एंड फियर। उसने कहा यह बड़ी सीरियस बात है, इट इज़ सोबरिंग, इट इज़ सीरियस। डिस्क्राइबिंग द ब्यूटी ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द मून, अब क्या है, दोबारा एक बार फिर से वो अर्थ की ब्यूटी हमें डिस्क्राइब कर रहा है फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द मून कि कैसी लग रही है अर्थ। उसने कहा द क्रिस्टलाइन स्फीयर ऑफ अर्थ, क्रिस्टलाइन उसने इसलिए बोला है क्योंकि वो चमक रही है, उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ी है, तो वो बहुत खूबसूरत लग रही है जी। ग्लीम्स इन द एबिस ऑफ स्पेस, जो स्पेस है उसका अनफेदमेबल कैविटी है, यानी हमें यूँ लगेगा कि एक पूरा एक खला है, एक स्पेस है जिसके बीच में जो हमारी अर्थ है वो चमक रही है, ग्लीम कर रही है। हिज फीलिंग्स ऑफ एडवेंचर, अब उसके बाद उसकी फीलिंग्स जो हैं वो एडवेंचर में बदल जाती हैं, और ही इज़ वेरी मच इंस्पायर्ड बाय द ब्यूटी ऑफ द सराउंडिंग्स, इर्द गिर्द देखता है, बहुत खुश होता है, फोटोग्राफी भी करता है, और उसने कहा जी फोटोग्राफ द वंडरलैंड ऑफ द ल्यूनर स्पेस। अभी उसने मून को वंडरलैंड बोल दिया है कि आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो वंडरलैंड में जैसे बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं फॉर देयर एक्साइटमेंट, बिल्कुल ऐसे ही मून पर जो है वो राइटर के एक्साइटमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके एडवेंचर के लिए हर चीज़ नई है। और उसमें क्या है जी, द इनक्रेडिबल वराइटी ऑफ लैंड फॉर्म्स फिल्स मी विद प्लेजेंट सरप्राइज, यानी डिफरेंट टाइप्स के लैंड फॉर्म्स हैं उस मून पर, और उसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज है, बहुत उसको हैरत हो रही है, अच्छा ऐसे भी होता है, मून यहाँ से ऐसे भी है। सो दीज आर द फीलिंग्स ऑफ सरप्राइज। नाउ ही शेयर्स द एक्सपीरियंस ऑफ वॉकिंग ऑन द मून,
इसके बाद से वो अपनी मूविंग जो मूवमेंट कर रहा है मून पर, उसके बारे में हमें बता रहा है कि किस तरह से वॉकिंग ऑन द मून। तो अभी अगर आप देख लीजिए इसके टाइटल को, तो वो भी वॉकिंग ऑन द मून है। तो आप सोचिए कि शायद ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आप ये देखिए कि उसने वॉकिंग ऑन द मून को, एक कॉन्सेप्ट है वॉकिंग ऑन द मून, और उसको उसने लेकर उसका टाइटल बनाया है। तो वो अपनी इस टाइटल को भी सिम्बॉलिकली यूज़ कर रहा है, मेटाफोरिकली यूज़ कर रहा है, यानी कि जो अपनी स्पेस ट्रैवल टूवर्ड्स द मून है उसके लिए भी वॉकिंग ऑन द मून को वो बता रहा है, उसके लिए ये टर्म यूज़ कर रहा है। तो जी अब आ जाते हैं हमारे अंडरलाइन सेंटेंस के ऊपर। लोकोमोशन ऑन द मून हैज़ इट्स ओन पिक्यूलर रिस्ट्रिक्शंस। अभी उसने कहा जी जो मूवमेंट है वो भी कोई बहुत अजीब अच्छी वाली या मज़े वाली उस तरह से नहीं है, बहुत उसमें आपको इस रिस्ट्रिक्शंस फेस करनी पड़ती हैं, और वो बड़ी पिक्यूलर किस्म की रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि आपको अर्थ पर फेस नहीं करनी पड़ती हैं। और उसके लिए वो एग्जांपल देता है, रिफर्स टू द एग्जांपल्स ऑफ अ रियल वर्ल्ड टू मेक द रीडर्स कॉम्प्रीहेंड हिज फीलिंग्स। किस तरह से, मतलब आप कैसे फील कर सकते हैं कि जब आप मून पर चल रहे होंगे तो आप कैसा फील करेंगे। तो उसने अपनी मूवमेंट को कहा है कि दैट वॉज अ रिदमिक बाउंडिंग मोशन, lightness and ease of strolling on a trampoline। जिस तरह आप ट्रैम्पोलिन के ऊपर आप चलें अगर, तो आपके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। ट्रैम्पोलिन वही वो जो आपने देखा होगा अक्सर, या आप कहीं जाते हैं किसी प्ले लैंड में, तो एक बड़ा सा राउंड सी शेप में वो एक उन्होंने लगाया होता है आर्टिकल्स है जिसके ऊपर बच्चे जंप कर रहे होते हैं, और मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स वो लेदर का बना होता है या किसी भी इलास्टिक मटेरियल का बना होता है, तो बच्चे उसके ऊपर जंप कर रहे होते हैं। तो कुछ बच्चे जो डर रहे होते हैं वो उसके ऊपर चलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो उसने कहा कि जी जैसे आप उसके ऊपर चलते हैं तो उतनी ही मुश्किल होती है यहाँ पर मून पर चलने में। इन ऑर्डर टू शो द डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, अभी वो वॉकिंग में जो डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है वो उसको बताने के लिए वो कहता है जी थ्रस्टिंग माई बॉडी फॉरवर्ड, मुझे अपनी बॉडी को धक्का देना पड़ा था, यानी उसको ऐसे फील होता जैसे वो हवा में चलने की कोशिश कर रहा हो। अगर आपने कभी पानी में इसको चलने की कोशिश की हो तो आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा कि धक्का देकर अपने आगे जाना किस तरह से होता है। तो बिल्कुल जैसे प्रेशर पानी का होता है बिल्कुल वैसा ही प्रेशर विंड का भी होता है। तो उसने कहा कि जी मुझे वहाँ पर जो मून में जो प्रेशर है उसकी वजह से उसको धक्का देकर आगे चलना पड़ा है जी। टू फॉल ऑन द मून इज़ टू रीडिस्कवर चाइल्डहुड। किस तरह से, क्योंकि जब आप ट्रैम्पोलिन पे चलेंगे तो डेफिनेटली आप गिरेंगे भी बार बार, तो मून पर चलते हुए बार बार वो गिर रहा है। तो उसने कहा कि जी ऐसे जैसे बचपन में जब आप सीखते हैं चलना तो आप बार बार गिरते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से जब आप मून पर चल रहे होते हो तो आप बार बार गिर रहे होते हैं जी। अभी हम अगर इसमें देखते हैं, अभी तक हमने देखा देयर इज़ मोर फोकस ऑन हिज पर्सनल एंड इंडिविजुअल फीलिंग्स, वो बाकी दो लोगों की फीलिंग्स हमें नहीं बता रहा है, लेकिन शायद वो ये समझता है कि वो अपनी फीलिंग्स बता देता है तो उसी से रिप्रेजेंट हो जाता है बाकी लोगों की फीलिंग्स, कि वो किस तरह या किस किस्म की फीलिंग्स उनको आती हैं और वो यहाँ पर हमें उनके शेयर कर रहा है जी। उसके बाद जी इन्जॉयज़ हिज वेटलेसनेस, वहाँ पर चूँकि ग्रेविटी जो है वो बहुत कम है तो इसलिए आपको वेटलेसनेस फील होती है, और आपको चूँकि आदत नहीं होती, आपको अपना वेट कैरी करने की आदत होती है, तो वहाँ पर जाकर जब आपको वेटलेसनेस फील होती है, आपको अपना वेट बहुत कम फील होता है, और जब आप जितना कम होगा वेट उतना ही कम फील होगा आपको। तो उस सूरत में उसने कहा कि वो बहुत इसको इन्जॉय कर रहा है जी। आई फाइंड द 1/6 ग्रेविटी ऑफ द मून मोर इन्जॉयबल इन ऑर्डर टू मेक इट क्लियर अबाउट द मून डस्ट इट्स टेक्सचर एंड कलर। अब वो मून डस्ट के बारे में, जो मिट्टी है वहाँ पर मून की, वो उसके बारे में, उसके टेक्सचर के बारे में, उसके कलर के बारे में डिफाइन करता है, और बड़ा माइन्यूटली वो हमें बता रहा है जी। डार्क ग्रे मून डस्ट सीम्स टू बी समवेयर बिटवीन कोल डस्ट एंड टैल्कम पाउडर। यूँ ऐसे लग रहा है जैसे कोयले की वो अगर कभी पीस के रखा हो कोयला, तो जितना वो बारीक होता है और उसकी उसका उसमें कलर जो है वो आ जाता है, टेक्स्चर उसका जो है वो टैल्कम पाउडर और कोल डस्ट के दरमियान का है, यानी ना तो वो कोल डस्ट की तरह बहुत ही रफ है और ना ही टैल्कम पाउडर की तरह से बहुत सॉफ्ट है। तो ये उसने यहाँ पर बताया है ताकि लोग अच्छे से उसको समझ सकें। कंपैरिजन विद द अर्थ फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, अब वो जी कंपेयर कर रहा है अर्थ के साथ और उसको लोनलीनेस की फीलिंग आ रही है, और वो क्या है जी, नो विंड ब्लोस नो साउंड एकोस ओनली शेडोज मूव। अगर आप
फ़ोटोज़ भी देखते हैं मून की, तो आपको पता चलता है कि वहाँ पर कोई हवा नहीं चल रही है, कोई आवाज़ वहाँ पर एको नहीं करती है, यानी आपको सुनने में मुश्किल होती है। वेव्स नहीं है वहाँ पर, हवा नहीं है, तो ओनली शेडोज़ मूव, सिर्फ शेडोज़ बनते हैं जो कि लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से बन रहे होते हैं। सो यू कैन फील वेरी लोनली ओवर द मून। फियर अबाउट द अल्टीमेट डेथ ड्यूरिंग द स्पेस ट्रेवल। अब जब वो आने लगे थे तो अब वो एकदम से वो शेयर करता, उसको याद आ जाता कि जब हम यहाँ मून पर आने लगे थे तो हम सोच रहे थे कि अब हम जहाँ जा रहे हैं तो वहाँ पर हम हो सकता है कि कभी वापस ना आए, और इन सारी बातों को वहाँ पर डिस्कस भी किया गया था। और उन्होंने इस सब के बावजूद भी जो है ये रिस्क लिया था कि जी हम लोग स्पेस में ट्रैवल करेंगे, और उसके लिए कहता है जी बाउंडलेस फेथ इन द इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस। तो जब आप इस किस्म का रिस्क ले रहे होते हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू बिलीव इन द फेथ, यू हैव टू कीप योर फेथ इन द इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस जिसने वो बनाया होता है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे वो अभी कुछ अर्सा पहले जो एक वो उन्होंने सबमरीन्स बनाई और वो उसमें ट्रेवल करके गए टाइटैनिक को देखने के लिए, तो वो लोग भी तो रिलाय कर रहे थे, वो उन लोगों का भी तो फेथ था। और वहाँ पर भी एक आ गया था कि इसी तरह का रिस्क होता है जब आप स्पेस में ट्रैवल करते हैं। सो ये एक रिस्क होता है जब भी आप स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं या आप अंडर वाटर ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस वक्त आपका जो पूरा फेथ है वो आपके इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस में आपको रखना पड़ता है। एक्सपीरियंस कंपेयर्ड विद दैट ऑफ एग्जांपल्स फ्रॉम द अर्थ, और इसके बाद वो एक्सपीरियंस शेयर करता है, एग्जांपल्स देता है अर्थ से, और वो बताता है कि जैसे यहाँ पर हमें यहाँ से हम देखते हैं अच्छा इतनी दूर रह गया फलां चीज़, तो लेकिन वहाँ पर मून पर जो है वो आप ये मेजर नहीं कर सकते हैं। उसने कहा जी वी कैन नॉट डिटरमिन वेदर एन ऑब्जेक्ट स्टैंड्स क्लोज और एट अ कंसिडरेबल डिस्टेंस और वेदर इट इज़ लार्ज और स्मॉल, यानी कि ना तो वो डिस्टेंस के बारे में मेजर कर सकते थे और ना ही वो किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज़ के बारे में डेफिनेट हो सकते थे। तो ये दोनों चीज़ों के बारे में वो डाउटफुल ही रहते थे, उनको नहीं पता था कि ये चीज़ कितनी दूर है जब तक कि वो उसके पास पहुँच कर उसको हाथ ना लगा देते। चेंज इन फीलिंग्स, अभी उसमें फीलिंग्स बहुत चेंज हुई हैं, यानी कि बहुत शुरू से हमने देखा कभी वो सीरियस फील करता है, कभी वो फियरफुल हो जाता है, कभी उसको बहुत एक्साइटेड हो जाता है, कभी वो बहुत सरप्राइज्ड है। तो अभी क्या है जी, वो हमें खुद से बताता है, एट फर्स्ट वी एक्सपीरियंस अ ट्रबलिंग डिसेप्शन एंड ग्रेजुअली द मून बिकम्स अ फ्रेंडलियर प्लेस। डेफिनेटली जब आप किसी चीज़ पर फर्स्ट टाइम जाते हैं तो आपको वो चीज़ नई होने की वजह से थोड़ा सा अजीब लगती है, आप स्ट्रेंज फील करते हैं, आप लोनली फील करते हैं, लेकिन जब आप वहाँ पर यूज्ड हो जाते हैं तो फिर आपके लिए वो चीज़ जो है वो फेमिलियर हो जाती है। तो फ्रेंडलियर हो जाती है, फेमिलियर हो जाती है, तो बिल्कुल इसी तरह से जो मून है वो भी इन लोगों के लिए फ्रेंडलियर प्लेस बन चुका है। नाउ डिस्कशन अबाउट द स्पेस क्राफ्ट LM लूनर मॉड्यूल। तो अभी ये लूनर मॉड्यूल के बारे में बात कर रहा है कि जी उसके बारे में थोड़ी सी बात हो जाए कि लूनर मॉड्यूल जो है वो किस किस्म का था। जिसने कहा विद इट्स ऑक्सीजन एंड फूड एंड वाटर इट इज़ अ टाइनी अर्थ, यानी कि जो लूनर मॉड्यूल है सिर्फ उसके अंदर ही ऑक्सीजन भी मौजूद थी, फूड भी था, वाटर भी था, और वो उनके लिए एक छोटी सी ज़मीन थी। ज़मीन वो, अर्थ वो, यहाँ पर कंपैरिजन उसने किया है अर्थ वो कि जिसमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सारी आप जब आप मून पर जाते हैं कि जहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो भी आपको लगने लगता है कि वो लग्जरीज हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं उनके साथ वो जो आपका ल्यूनर मॉड्यूल है, उसने कहा कि दैट वॉज अ टाइनी अर्थ, नो कॉन्सेप्ट ऑफ नाइट। सो उनको लगा कि अब हमें सो जाना चाहिए, तो सो वी क्रिएट द इल्यूजन ऑफ नाइट, और उसके बाद वो सो जाते हैं। अ न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस फ्रॉम द फैक्ट दैट वी हैव कम टू नो एंड अंडरस्टैंड आवर सराउंडिंग्स। अभी उसने कहा कि जी हम जो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए थे वो इस वजह से हुए थे कि अब हम अपनी सराउंडिंग्स को जानते थे, अब हमें पता था कि हमारे इर्द गिर्द क्या है और हम कहाँ पर खड़े हैं। एंड नाउ कम His feelings at the last moment, के वो जो last moment था जब वो वहाँ से वापस आने लगे थे to earth, तो उस वक्त उसकी feelings कैसी थी जी। Soon I will leave the moon, probably forever, तो थोड़ा सा हमें इसमें
सैडनेस नज़र आती है, हमें लगता है कि राइटर जो है वो फील कर रहा है और अभी उसका दिल नहीं कर रहा है उनको छोड़ने पर. और मैनी टाइम्स एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स ऑफ लव एंड अफेक्शन फॉर द मून. और अब उसने बार बार वो चीज़ें बताता है कि अब हम मून से बड़े फेमिलियर हो रहे हैं. जैसे अभी उसने फ्रेंडलियर की बात की, फिर उसने कहा कि जी हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है इसकी वजह से, और अभी वो बात कर रहा है कि आई हैव कम टू फील अ स्ट्रेंज अफेक्शन फॉर दिस पीसफुल चेंजलेस कंपेनियन ऑफ द अर्थ, कि अब हमें इससे बहुत ज़्यादा अफेक्शन फील हो रही है. नेक्स्ट ही डिस्कसेस द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ स्पेस ट्रेवल, कि क्यों हम जाते हैं स्पेस में, क्या सिर्फ घूमने फिरने के लिए जाते हैं? जी नहीं, उसने कहा जी बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कवर करने के लिए जाते हैं, जिसमें है कि डिस्टर्बिंग इकोलॉजिकल बैलेंसेस, स्कैटर्ड स्टार्वेशन, अ शॉर्टेज ऑफ एनर्जी. जी ये तीन चीज़ें उसने बताई हैं कि जी जो डिस्टर्ब्ड एंड डिस्टर्बिंग इकोलॉजिकल बैलेंसेस हैं हमारी अर्थ पर, और बहुत सारी भूख है, और जो शॉर्टेज ऑफ एनर्जी है, तो उसके लिए अ टेक्नोलॉजी कैपेबल ऑफ एक्सप्लोरिंग स्पेस कैन एंड विल हेल्प रिजॉल्व सच प्रॉब्लम्स. यानी कि जो हमारे इकोलॉजी है इसको और हमारी स्टार्वेशन, हमारी शॉर्टेज ऑफ एनर्जी को जो कंपेंसेट कर सकता है या इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकता है, तो दैट इज़ द स्पेस ट्रेवल. सो दे लेफ्ट अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द मून सो दैट एनी ट्रेवलर मे फाइंड देयर फुट प्रिंट्स, के उनको पता चले कि हाँ कभी हिस्ट्री में, कभी किसी ज़माने में कुछ लोग यहाँ पर आए थे और वो यहाँ से होकर गए हैं, तो वो प्रूफ के लिए, एविडेंस के तौर पर ये सब चीज़ें वहाँ पर छोड़ कर आए हैं. जी उनमें क्या क्या चीज़ें हैं? जी अबंडेंट गियर, एक जो पुराना साइन का एक व्हील है वो वहाँ छोड़ कर आए हैं. अ प्लाक, प्लाक कहते हैं जी इंस्क्राइब्ड मेटल को, एक मेटल के ऊपर जिसमें खुदा हुआ होता है, उसमें खुदा हुआ क्या है? जी द नेम ऑफ आर स्पेस क्राफ्ट, द डेट ऑफ मिशन एंड अ रोस्टर ऑफ द क्रू. लिस्ट है जी जो भी वहाँ पर गए थे उन सब लोगों की. इसमें अ पीस ऑफ फौना, फौना में क्या है जी? अ फैल्कन फीदर, यानी एक लिविंग बींग का फीदर है जी उसमें. और एंड ऑफ फ्लोरा, और उसके अलावा आपके जो प्लांट किंगडम है उसमें से अ फोर लीफ क्लोवर, जिसकी मैंने यहाँ पर फ़ोटो भी लगा दी है कि आपको पता चल जाए कि ये वहाँ पर छोड़ कर आए, और ये हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे रखी. सो वी फाइंड मिक्स्ड फीलिंग्स ऑफ द राइटर एट द एंड. वो हमें बता रहा है और फटीग एंड प्राइड की फीलिंग्स हैं, और वो क्या कहता है जी? आर मिशन एंड्स इन फटीग एंड इलेशन, अ फीलिंग ऑफ जॉय एंड प्राइड. तो ये उसकी फीलिंग्स थी जी एंड पे. वाई लिविंग ऑन द अर्थ ही रिकॉल्स हिज जर्नी टू द मून एंड थिंक्स अबाउट इट एज एन इमेजिनरी ट्रेवल. अब जी जब वो बहुत साल गुजर चुके हैं, वो आसमान की तरफ जब भी देखता है, मून को जब भी देखता है, तो वो मून उसको स्ट्रेंजर नहीं लगता, वो उसको लगता है कि अच्छा ये तो मेरा दोस्त है, मैं यहाँ से होकर आया हुआ हूँ. और जब वो ये सोचता है तो फिर वो कहता है कि जी समटाइम्स आई कैन स्कार्सली बिलीव दैट आई हैव एक्चुअली वॉक्ड ऑन द मून. उसको यकीन ही नहीं आता कि कभी वो मून पर गया भी है. अच्छा बहुत सारे लोग ऐसे जो है, बहुत सारे फिलोसोफर्स, बहुत सारे टेक्नीशियंस जो कि ये क्लेम करते हैं कि दिस वॉज अ फेक ट्रेवल, यानी नॉट ओनली दिस वन, मतलब जो भी आज तक मून पर ट्रेवलिंग के लिए बताया गया है वो सब का सब फेक है. तो ये चीज़ें जो हैं वो हमारी मॉडर्न साइंस हमें बता रही है जी कि मून की तरफ नहीं जाया जा सकता है. तो उसके लिए बहुत सारे वो क्लूज़ भी देते हैं कि दीज आर द क्लूज़, बट हमारा जो ऐसे है वो तो कंसर्न्ड है हमारा जर्नी ऑफ मून से, वो जैसे भी हुई थी, जो उसने हमें यहाँ पर इस ऐसे में बताया है वो जो भी है हमने उसको पढ़ा है, उसके एक्सपीरियंसेस, उसकी फीलिंग्स को हमने इसमें देखा है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर एसे वॉकिंग ऑन द मून. आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़.